जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आपको सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे धनु लग्न की कुंडली में राहु देवता की प्लेसमेंट अलग अलग भावों में क्या रिजल्ट्स देती हैं। आपके वैसे भी मेरे पास बहुत से फ़ोन कॉल्स आते हैं, बहुत सारे लोग सीखने में इंटरेस्टेड होते हैं, तो मैंने पहले भी कई बार आपको रिक्वेस्ट की है कि आप जब तक हमारा बैच शुरू नहीं होता दिसंबर में, तब तक आप पहले ये थोड़े से शुल्क देकर के DVDs परचेज कर सकते हैं और DVDs बैठकर घर में देखकर इसकी बेसिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं, ताकि आपको आगे सीखने में आसानी रहे, ताकि इस विद्या को सीख कर कम से कम खुद के लिए कुछ आप पॉजिटिव कर पाएँ, और खुद को अगर संवार लोगे तो सारा कुछ अपने आप ही संवर जाएगा। आइए प्रिय दर्शकों, बोर्ड पे चलते हैं, बात करते हैं धनु लग्न की कुंडली की। धनु इसलिए कहा गया क्योंकि पहले घर में 9 नंबर लिखा है और 9 नंबर राशि जो होती है वो बृहस्पति देवता की मूल त्रिकोण राशि कही जाती है। यहीं अगर राहु देवता प्लेस्ड हों तो कुंडली में, तो यहाँ राहु देवता नीच के माने जाते हैं। एक बात और मैं हर एपिसोड में प्रिय दर्शकों कहता हूँ कि डिग्री वाइज कैपेबिलिटी ऑफ द प्लैनेट ज़रूर देखा कीजिए, उसी से बल होना ग्रह का पता चलता है, और ग्रह का अच्छा बुरा उसका बल निर्धारण करता है। अगर वो ग्रह बुरा है और बली है तो वो और ज़्यादा बुरा होगा, अगर ग्रह बुरा है और उसमें बल कम है तो उसका बुरापन कम हो जाएगा। ये बात ध्यान से नोट कर लीजिएगा और इसे सदैव कुंडली का विवेचन करते वक्त याद रखिएगा। अगर बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि में राहु देवता पड़े हों, यानी राहु देव नीच के हो गए, अगर राहु देव लग्न में नीच के हो जाएंगे और वो डिग्री वाइज बली हुए, तो हेल्थ का नुकसान करेंगे, मेंटल पीस डिस्टर्ब करेंगे, पर्सनैलिटी में दिक्कत परेशानियां लेकर के आएंगे, और यहाँ से दृष्टि पड़ी संतान सुख से कमी ला देंगे, यहाँ से दृष्टि पड़ी दाम्पत्य सुख में दिक्कत परेशानियाँ, पार्टनरशिप डेली वेजेस में परेशानियाँ, यहाँ से दृष्टि डाली पिता से भी वो बनने नहीं देंगे, और जातक धर्म को मानने वाला नहीं होगा क्योंकि राहु देवता यहाँ नीच के होते हैं। राहुदेव दूसरे घर में पड़े हों, अच्छा फल दे सकते हैं, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि शनि देवता की प्लेसमेंट भी कहीं अगर कुंडली में अच्छी हुई तो राहु देवता दूसरे घर में बहुत अच्छा फल देंगे। क्यों? क्योंकि यति मित्र के घर में बैठे हैं। हाँ, यहाँ वाणी थोड़ी उग्र जरूर कर देंगे, लेकिन धन कुटुंब के रिगार्डिंग अपनी दशांतर दशा में जातक को सदैव पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। यहाँ से अपनी दशांतर दशा में हाउस ऑफ कंपटीशन भी क्लियर करवाएंगे, यहाँ से ऑब्स्टेकल्स पर दृष्टि डालेंगे वो भी रिमूव होंगी हार्डवर्क से, यहाँ पर दृष्टि डालेंगे कर्म पे तो कर्म में भी वृद्धि होगी और प्रोफेशन में इम्प्रूवमेंट मिलेगी, क्योंकि राहु देवता की भी बृहस्पति और केतु की तरह तीन दृष्टियां होती हैं, अपने से पांचवें, अपने से सातवें और अपने से नौवें घर पर उसका पूर्ण असर होता है। अगर वो दूसरे घर में बैठा है तो ये पांचवी दृष्टि छठवें घर पे, सातवीं दृष्टि आठवें घर पे और नौवीं दृष्टि दसवें घर पे आ गई। राहु देवता अगर तीसरे घर में पड़े हों, यानी पराक्रम के घर में, ये भी उसके अति मित्र का घर है, यानी शनि की मूल त्रिकोण राशि है, यहाँ राहु देवता पड़े बहुत अच्छे कभी फल नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ वो मेहनत की बढ़ोतरी कर देंगे, अपनी दशांतर दशा में जातक का हार्डवर्क नॉर्मल से सदैव ज़्यादा होगा, यहाँ से ऑब्स्टेकल्स देंगे पार्टनरशिप रिगार्डिंग, दाम्पत्य सुख रिगार्डिंग, मैरिज को डिले करना, और यहाँ से डेली वेजेस में भी वो प्रॉब्लम देंगे, उसमें ज़्यादा हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा। यहाँ से राहु देवता नवम भाव पर जो सातवीं दृष्टि डालेंगे वो भी अच्छी नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये उसके अति शत्रु का घर है, यहाँ भी रिजल्ट देने में नेगेटिविटी बरतेंगे, पिता से बनने नहीं देंगे, धर्म को मानने वाला नहीं होगा, रिजल्ट्स में नेगेटिविटी क्रिएट कर देंगे। राहु देवता की नौवीं दृष्टि 11वें घर पर पड़ेगी, अपनी मेहनत से लाभ जरूर जातक अर्जित कर लेता है क्योंकि ये लाभ का घर है, बड़े भाई बहनों से सपोर्ट भी ज़रूर उसको मिलती है, लेकिन छोटी मोटी बीमारियां भी, जैसे जुकाम हो गया, खांसी हो गई, गला ख़राब हो गया, ये ऐसी छोटी मोटी चीज़ें उस जातक को लगी ही रहती हैं क्योंकि ये छोटी बीमारियों का भी घर है और यहाँ राहु की दृष्टि होना अपने आप में अशुभ मानी जाती है। ये चीज़ दिक्कत परेशानियों में सिर्फ इसलिए देती है क्योंकि ये हेल्थ प्रॉब्लम्स को एक्टिवेट कर देती है छोटी मोटी, लेकिन फाइनेंस के लिए यहाँ दृष्टि डालना अच्छा माना जाता है। राहु देवता चौथे घर में पड़े हों, अगर वो डिग्री वाइज बली हुए तो माता को सदैव प्रॉब्लम रहने वाली है, माता से कभी नहीं बनने वाली, घर भूमि वाहन मकान जमीन जायदाद कभी भी इंसान उसको स्टेबल से एक जगह रहकर भोग, एक मकान बनाया
टिके नहीं, उस मकान में रहे नहीं, बेच के दूसरी जगह चले गए, दूसरा मकान बनाया, फिर बेच के तीसरी जगह, तीसरे से चौथा, वो शिफ्ट करते ही रहते हैं क्योंकि राहु देवता का कैरेक्टर है, माता से कभी नहीं बनने देता, गाड़ी भूमि मकान वाहन बनाने में बहुत प्रॉब्लम देता है क्योंकि राहु देवता का कैरेक्टर ऐसा है, और बृहस्पति के घर में बैठे होने की वजह से प्रॉब्लम्स को बढ़ा देता है, कम नहीं करता। राहु देवता पंचम भाव में पड़े हो, यानी मंगल की मूल त्रिकोण राशि और ये कुंडली की भी मूल त्रिकोण जगह है, इसलिए मंगल की मूल त्रिकोण राशि में राहु का आना पुत्र प्राप्ति का योग जरूर देता है क्योंकि राहु भी बृहस्पति की तरह पुत्र कारक होता है, लेकिन कभी भी मेंटली स्टेबल नहीं होने देता इंसान को, पेट में प्रॉब्लम्स देता है, लव अफेयर में प्रॉब्लम्स खड़ी करता है और अनसर्टेन लॉस देता है। क्यों? क्योंकि ये अति शत्रु के घर में पड़ा, और अति शत्रु के घर में पड़े होने से इसके नेगेटिव रिजल्ट्स डिवेलप कर देता है, यहाँ से पिता से प्रॉब्लम, यहाँ से बड़े भाई बहनों लाभ से प्रॉब्लम, यहाँ से पर्सनैलिटी में भी प्रॉब्लम्स ही देता है। राहु देवता छठे भाव में पड़े हों यानी वृष राशि के, राहु देवता यहाँ उच्च के हो जाते हैं प्रिय दर्शकों, लेकिन अपनी दशा अंतरदशा में कभी भी जातक को सेटल नहीं होने देते, कभी भी जातक पूर्ण स्टेबल नहीं हो पाता, कभी भी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटीज उसको लगी ही रहती हैं और परिवार से सदैव दूर जाने का योग बना रहता है। क्यों? क्योंकि राहु देवता यहाँ से प्रोफेशन पे दृष्टि डालते हैं, यहाँ ऑब्स्टेकल देते हैं, राहु देवता खर्च पे दृष्टि डालते हैं, यहाँ ऑब्स्टेकल देते हैं, राहु देवता धन कुटुंब वाणी पे दृष्टि डालते हैं तो यहाँ भी वो प्रॉब्लम्स ही देते हैं, वो कभी स्टेबल नहीं होने देते जातक को। राहु देवता तीसरी राशि के सातवें घर में पड़े हों यानी मिथुन राशि के पड़े हों राहु देवता, यहाँ राहु देवता उच्च के हो जाते हैं प्रिय दर्शकों, लेकिन ये केंद्र का भाव है इसलिए यहाँ वो अच्छे हो गए। अगर कहीं कुंडली में बुध की प्लेसमेंट अच्छी हुई तो राहु देवता बहुत अच्छा फल देंगे, पार्टनरशिप अच्छी करेंगे, विवाह सुख पूर्ण देंगे और डेली वेजेस में भी नए नए रास्ते खोल के इम्प्रूवमेंट लाएंगे क्योंकि यहाँ से लाभ का रास्ता भी खुलेगा, पर्सनैलिटी भी इम्प्रूवमेंट होगी और जातक मेहनती भी होगा और छोटे भाई बहनों और बड़े भाई बहनों दोनों से सुख भी अर्जित करेगा और उसको एडवांटेजेस मिलेंगे दोनों बड़े भाई बहनों से भी और छोटे भाई बहनों से भी। राहु देवता आठवें घर में पड़े हुए, पूरी जिंदगी में सारी जब भी उसकी दशा अंतरदशा आती है सारी कुंडलियों में वो सदैव प्रॉब्लम्स का रीज़न बनती है। क्यों? क्योंकि ये कुंडली का सबसे वर्स्ट हाउस है और चंद्रमा जो उसका अति शत्रु उसके घर में राहु देवता आ गए, एक तरह का ग्रहण योग लग जाता है यहाँ पर, तो राहु देवता ऑब्स्टेकल्स बिना कारण की हर काम में सदैव बढ़ा देते हैं, यहाँ से दृष्टि डालते हैं खर्च बार पर इसको दिक्कत परेशानियाँ, यहाँ से दृष्टि डालते हैं धन कुटुंब वाणी पर इसकी दृष्टि नेगेटिव रिजल्ट्स, यहाँ से दृष्टि डालते हैं चौथे भाव पर माता गाड़ी भूमि वाहन के रिगार्डिंग भी राहु देवता सदैव प्रॉब्लम देते हैं और जातक को कभी प्रॉपर सेटल नहीं होने देते, उसकी ऑब्स्टेकल्स कभी कम होने ही नहीं देते, एक ख़त्म तो दूसरी शुरू, दूसरी ख़त्म तो तीसरी शुरू, इसी कॉन्टेंट में जातक चलता रहता है अपनी पूरी राहु की दशा अंतर दशा में। राहु देवता प्रिय दर्शकों नौवें भाव में बैठे हों कभी अच्छा फल नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये अति शत्रु का घर है राहु देवता के, ये सूर्य देव का घर है और राहु देवता अंधेरा है, सूरज उजाला और राहु देवता अंधेरा, इसलिए राहु देवता यहां पड़े हुए ना तो कभी पिता से बनने देंगे, ना कभी पूरी तरह जातक धर्म को मानने वाला होगा, विदेश यात्रा वो ज़रूर करवा सकते हैं क्योंकि राहु विदेश यात्रा के कारक हैं, तो यहाँ विदेश यात्रा ज़रूर हो सकती है लेकिन पिता से कभी नहीं बनने वाली, यहाँ से पर्सनैलिटी पे भी परेशानियाँ, यहाँ से मेहनत और छोटे भाई बहनों से भी परेशानियाँ, यहाँ से औलाद संबंधी भी परेशानियाँ ही देंगे, मेंटल पीस संबंधी, औलाद संबंधी, पेट संबंधी, यहाँ सारी प्रॉब्लम लव अफेयर संबंधी देंगे क्योंकि पाँचवा घर इन्हीं का होता है। राहु देवता दसवें घर में पड़े हों यानी कन्या राशि के पड़े हों, अगर बुध की प्लेसमेंट अच्छी हो गई तो राहु देवता यहाँ बहुत अच्छे फल देंगे, अपनी दशा अंतरदशा में जातक को नए नए काम की अपॉर्चुनिटीज देंगे, अपनी दशा अंतरदशा में जातक को नई ऊंचाइयाँ देंगे, धन के आगमन का रास्ता खुलेगा क्योंकि राहु देवता यहाँ से दृष्टि डालते हैं दूसरे घर पे, राहुदेव यहाँ से दृष्टि डालते हैं चौथे घर पे, राहुदेव यहाँ से दृष्टि डालते हैं छठे घर पे, तो राहु देवता तीनों घरों के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, अगर बुध की प्लेसमेंट अच्छी हो गई तो राहु देवता इंसान को नया काम नया आयाम छू सकता है अगर राहु अच्छा हुआ तो।
ये बात अलग है कि इसको बदनाम जरूरत से ज़्यादा किया जाता है, लेकिन कन्या राशि यहाँ पड़ा हुआ राहु अपनी दशांतर दशा में जातक को सदैव काम की स्टेबिलिटी देता है। बस वो पुरानी शर्त प्रिय दर्शकों याद रखिएगा कि सदैव उसमें डिग्री वाइज बलाबल ज़रूर होना चाहिए, अगर बलाबल नहीं होगा तो उसके रिजल्ट्स में कमी आ जाएगी। राहु देवता 11वें घर में पड़े हों, अगर राहु देवता 11वें घर में पड़े होंगे, ये शुक्र देव की मूल त्रिकोण राशि हो गई। जैसे शनि देव की मूल त्रिकोण राशि तीसरे घर में आई थी, शुक्र देवती की मूल त्रिकोण राशि 11वें घर में आ गई। वहाँ राहु देवता का आना अपने अति मित्र या अपने गुरु के घर में आना हो गया। अगर कुंडली में शुक्र की कहीं प्लेसमेंट अच्छी हो गई तो यहाँ राहु देवता पड़े हुए अपनी दशांतर दशा में बहुत अच्छा फल देंगे। धन से लाभ, बड़े भाई से लाभ, छोटी बीमारियों से दूर होना, पार्टनरशिप में नए नए लोग मिलना, छोटे भाइयों से भी लाभ होना, और यहाँ से वो पुत्र प्राप्ति का योग भी इजीली बना देंगे। तो यहाँ राहु देवता बहुत अच्छे कंसिडर किए जाएंगे। राहु देव 12वें घर में पड़े हों, प्रिय दर्शकों गोचर में भी आजकल यही चल रहे हैं, तो यहाँ वो नीच के माने जाते हैं राहु देवता। अगर 12वें घर में पड़े होंगे राहु देवता, जातक को प्रॉपरली सेटल्ड कभी नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि ये भाव गलत है, और ऊपर से राहुदेव नीच के होना अपने आप में अशुभता का डबल होना हो गया। करेला ऊपर से नीम चढ़ा, मैंने एग्जांपल बहुत बार दी है, अब तो आपको भी याद हो गई होगी। तो यहाँ राहु देवता पड़े होंगे, चौथे भाव पे जितनी दृष्टि डाली वो सारी नेगेटिव हो गई। माता गाड़ी भूमि वाहन नेटिव लैंड से सारा दूर करके जातक को फौरन तक सेटल करवा देते हैं। राहु देवता के जो सातवीं दृष्टि छठे भाव पर पड़ी तो कभी जातक को अपनी दशांतर दशा में काम नहीं करवाने देते, जातक को सिर्फ सबॉर्डिनेशन या नौकरी करवाते हैं, और जातक कोई ना कोई ऑब्स्टेकल, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन झेलता जरूर है अपनी दशांतर दशा में। यहाँ से राहु देवता दृष्टि डालते हैं 8वें घर पे, और यहाँ पे वो ऑब्स्टेकल्स को बिना कारण में एक्टिवेशन दिए ही रखते हैं। जातक को कोई ऑब्स्टेकल्स खड़ी ही रहती है, सदैव चलती रहती है, वो कभी ऑब्स्टेकल से फारग हो ही नहीं पाता। एक ऑब्स्टेकल खत्म दूसरी शुरू, क्यों? क्योंकि वो व्यय के घर में बैठे हैं राहु देवता। व्यय के घर में बैठना राहु देवता का कभी अच्छा नहीं माना जाता, और ऊपर से उसका नीच होना तो डबल प्रॉब्लम में हो गए राहु देवता। लेकिन हाँ, ये डबल काल सर्प योग में नहीं हुए, सिर्फ डबल प्रॉब्लम्स में हो गए। आपको ये डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि राहु से डर जो है मन में आपके बैठ गया, उसको आप निकाल दो और अपनी कुंडली को सेल्फ एनालाइज कर पाओ। राहु बहुत सारी जगहों में पॉजिटिव भी होता है, इंसान को राजा बनाने की काबिलियत राहु देवता अपने अंदर रखता है। शर्त सिर्फ इतनी है, अपने मित्र के घर में बैठा होना चाहिए और उसका मित्र भी कुंडली में कहीं अच्छा होना चाहिए, तो राहु देवता बहुत बली होकर के रिजल्ट सदैव अच्छे देता है कुंडली में। प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूँ आपको, नोट कर लीजिए। हम समाज में रहते हैं, हम दुनिया में रहते हैं, हमें बड़ी चीज़ें नई लानी पड़ती हैं, पुरानी चीज़ ख़राब हो गई तो हम नई लेकर आए, चाहे वो घर गाड़ी हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो घर का कोई सामान हो, पंखा ट्यूब कुछ भी ऐसी चीज़ें हो। अगर आपको चॉइस दे दी जाए कि आप थोड़े दिन के लिए ये सामान ला सकते हैं, या ये सामान 15-20 दिन में ले आओ, या कपड़े लाने हो, या कोई भी ऐसी चीज़ ज़रूरत की चीज़ जो आपके लिए थोड़ा समय लंबा चलनी हो आपके साथ, चाहे वो आपके कपड़े ही क्यों ना हो, अगर आप उन चीज़ों को चढ़ते पक्ष में ले आते हो, हमारे 15 दिन कमते पक्ष के होते हैं, 15 दिन चढ़ते पक्ष के, अमावस्या के बाद जो पक्ष शुरू होता है वो चढ़ता पक्ष होता है, पूर्णमासी तक चढ़ता पक्ष रहता है, पूर्णमासी के अगले दिन पक्ष घटता शुरू हो जाता है, अमावस्या तक वो घटता घटता बिल्कुल नील हो जाता है। इस बात को सदैव ध्यान रखिएगा प्रिय दर्शकों, अगर घर में लंबा चलने वाली चीज़ जो आपके साथ लंबी चलनी है, अगर उसको चढ़ते पक्ष में ले आओगे, कमते पक्ष की बजाय चढ़ते पक्ष में आना चीज़ का सदैव शुभ माना जाता है, और उसका साथ आपके साथ सदैव लंबा चलना, मतलब 3 साल चलने वाली चीज़ आपकी 4 साल चलेगी अगर आप उसको चढ़ते पक्ष में परचेज कर लेते हो, वो सदैव रिजल्ट अच्छे देने में बाध्य हो जाती है आपके लिए। इस सब चीज़ों को मैं यहीं विराम देता हूँ प्रिय दर्शकों, हम सब के लिए मंगल कामना करता हूँ शनिदेव से, शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय